और हमारे जो ओलंपिक में जो अब तक का सबसे बड़ा दल, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा दल गया है ओलंपिक को खेलने के लिए, उसके जोश के लिए, उनकी प्रतिभा को जो है जोश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने एक अभियान चलाया, जिससे हमारे खिलाड़ियों का जो उत्साह वर्धन है वो बढ़े। ये अभियान क्या है? युवा मोर्चा पूरे भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में, हमारा अभियान ये है कि हम जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम पांच पांच लोगों की एक टीम बनाएंगे। तुम्हें हमारे जो भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में खेलने के लिए गए हुए हैं, उनके उत्साह वर्धन के लिए, क्योंकि इस बार जो हमारे खिलाड़ी गए हैं वो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या में गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ हम खेलों को इस तरीके से आगे बढ़ाएं कि जो हमारे प्रतिभावान नौजवान खिलाड़ी हैं वो विश्व पटल पे तिरंगे को फहराएं और तिरंगे के मान सम्मान स्वाभिमान उसके गौरव को आगे बढ़ाएं, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान और उसके गौरव को आगे बढ़ाने का काम करें। उसी उद्देश्य के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश हमारे अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी जी के निर्देशानुसार आज हम लोग उन्नाव जनपद में, मैं ठाकुर ब्रजेश सिंह और ये हमारी युवा मोर्चा की टीम, हमारे युवा साथी चेस फॉर इंडिया एक हमारा जो है उद्देश्य है, उस उद्देश्य के तहत हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो नौजवान साथी हमारे हैं, जो हमारे खिलाड़ी गए हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में, उनके उत्साह वर्धन के लिए, उनकी प्रतिभा उनको जोश देने के लिए हम लोग पांच पांच की टीम में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने जिले में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी हम हैं वहां पे हम खेलों में जो भी खेल खेलते हैं, चाहे हम साइकिलिंग करते हैं, चाहे हम कुश्ती का खेल खेलते हैं या हम किसी भी प्रकार का खेल खेलते हैं, हम यहाँ अपने देश में वीडियो बनाएंगे उसका, और वीडियो बना करके हम लोग जो है उसको जो है पूरे भारत में फैलाएंगे ताकि हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होता रहे।